तो जैसे कि हमारा अगस्त का महीना बहुत अच्छा गया था, ऐसे ही सितंबर की शुरुआत भी अच्छी हुई है। तो देख सकते हैं आप सितंबर का अभी तक का क्या गेम खेला है हमने। आज की पोजीशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने करीब करीब ये पोजीशंस ली, 10% का रिटर्न हमने लिया है, अराउंड 2 लाख की कैपिटल पे 21,000 का हमने गेन लिया है। और पोजीशंस आप देख सकते हो, निफ्टी और सेंसेक्स की पोजीशंस ली थी हमने। निफ्टी में हमने 19,800 का कॉल ऑप्शन लिए थे और 20,000 के पुट ऑप्शंस लिए थे। इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिला था और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे सेंसेक्स ट्रेड करने में आया, क्योंकि सेंसेक्स में मैंने जो 67,000 का पुट ऑप्शन जब मैंने लिया था, इट वॉज़ अराउंड 300 का के आसपास लिया था और मैं 320 में निकल गया था, जबकि मुझे पता था कि 400 तक जा सकता है। स्टिल मैंने होल्ड नहीं किया, क्योंकि आपको प्रॉफिट बुक करना इज़ द ऑब्जेक्टिव। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वो मार्केट के अंदर मैक्सिमम पेन को ट्रैक कर रहा होता हूँ और लोगों की वॉल्यूम को ट्रैक कर रहा होता हूँ, नेट पोजीशंस क्या चल रही हैं उसको ट्रैक कर रहा होता हूँ, और वो सब को ट्रैक करके मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट को ये लोग कहाँ बंद करेंगे। उस बेसिस पे मैं ये पोजीशंस लेता आ रहा हूँ और पिछले 1.5 महीने से कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करता आ रहा हूँ। इसके अंदर स्कैल्पिंग के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बुक करने की सिर्फ 1 या 2 बार मिलती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। आप ऐसे ये मतलब ट्रेड लेके छोड़ नहीं सकते, और कुछ केसेस में तो कुछ सेकेंडों का ही टाइम मिलता है टू बुक द पोजिशंस। थैंक यू।